तो भाई नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम विवेक शाह है और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स राहुल लाई। तो अभी निकल चुके हैं हम लोग भूतेश्वर नाथ मंदिर के लिए और राजिम जाएंगे और जहां हो सके वहां पहुंचेंगे, और जितने कम समय में हम लोग पहुंचे उतनी अच्छी बात है। तो मैं और मेरी वाइफ निकल चुके हैं। तो चलिए, अगर ब्लॉग में नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देख भाई, चोट वोट तो नहीं लगा यार। अरे आंटी को बोलो चुन्नी 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 अच्छे से लपेट ले, लपटा जाएगा टायर में। हेलमेट पहनो, हेलमेट हेलमेट हेलमेट। पूरी सब्जी मिल रहा है, जाओ तो। जय भोलेनाथ। तो भाई अभी तो हम लोग उतई के पास पहुंच गए हैं, बस थोड़ा दूर और फिर पाटन जाना है, फिर सीधा बन सीधा वहाँ से रास्ता होते हुए सीधा पहुँचेंगे राजिम। आप रास्ते में बने रहिएगा और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। यहाँ से राजिम है 63 किलोमीटर, देख रहे हो, यहाँ से राजिम पड़ता है 63 किलोमीटर, फिर पाटन पड़ता है 20 किलोमीटर। हम लोग को तो उसके भी आगे जाना है। हाँ हाँ, CG 07 BB 5562। चलो यार पोल्यूशन टेस्ट करा लेते, बहुत दिन हो गया है, एक्सपायर हो गया, 6 महीना से ज़्यादा हो चुका है वैसे भी तो। पकड़ लेगा तो 500 रुपये से हजार फाइन ले लेगा एक अलग प्रसादी। तो भाई अभी अपन जस्ट इंटर करने वाले हैं पाटन में, और देख रहे हो क्या चीज़ का पहाड़ है भाई, समझ ही नहीं आ रहा सारा बना क्या रहा है एक्चुअली। ये लोग खेत को यूज़ कर लिए हैं लेकिन बना क्या रहे हैं वो नहीं समझ आ रहा। देख रहे हो ये ब्रिज बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, इतना सारा गिट्टी है। बाप रे, शांत माहौल है यार, एकदम मज़ा आ गया यार। ऐसे गांव के बीच से जाना, खेत वेत देखना, एकदम ज़बरदस्त। तो भाई पहुंच गए हैं पाटन, और इधर देखिए ये पूरा पाटन एरिया है। आगे थोड़ा सा जाएंगे तो अभी तो स्टार्टिंग है घुसने का, फिर आगे जाएंगे तो मार्केट पड़ता है, उसके बाद सीधा पाटन से बाहर निकलना है अपन को। ये रहा यहाँ का मार्केट, अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, रोड बन रहा था पिछली बार, अब ये भी कम्प्लीट हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत लगा कि यहाँ आए तो कम से कम डेवलपमेंट मिला हम लोग को, नहीं तो बहुत ही गंदा एरिया हो गया था एकदम, मतलब कि धूल धक्कड़ इतना उड़ रहा था क्या बताएं। लेकिन रोड बनने के बाद एकदम फिनिशिंग हो चुका है, मार्केट भी एकदम शानदार ओपन हो चुका है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। पाटन भी एक यार बहुत ज़बरदस्त तरीका, और देखने ज़रूर आना, पाटन भी बहुत ज़बरदस्त एरिया है यार, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर। बढ़िया है लेकिन ना शिवलिंग अच्छा बड़ा बनाया है, लेकिन पाटन से थोड़ा सा दूर में है लेकिन शिवलिंग इतना मस्त बनाया है। अंदर रास्ता जाने का देखो, किनारे से अंदर शिवलिंग होगा, शिवलिंग के अंदर शिवलिंग, वाह मस्त, तालाब के ऊपर है, एक नंबर। जय भोलेनाथ। बस ये भाई यहाँ से मुड़ना है अपन को, यहाँ से मार्केट कनेक्ट करना है, फिर उधर से राजिम रोड मिल जाएगा अपन को। यहीं पे एक बार ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लिया था बेचारा, आज इस बार तो है ही नहीं, कोई नहीं मिला इस बार ट्रैफिक पुलिस वाला। यहीं पे ही था पिछली बार। हाँ, ना ट्रैफिक पुलिस वाला मिला, ना किसी को हेल्प करने के लिए मिला, कोई नहीं, आज तो एकदम सीधे सीधे आ गए, कोई रुकावट नहीं कहीं से। तो ये रहा भाई बस स्टैंड, हम लोग को इधर से स्ट्रेट होके राइट टर्न लेना है। यहाँ पूरा बस स्टैंड है, सब्जी मार्केट है, फल मार्केट है, बढ़िया बढ़िया दुकानें भी लगी हुई है। देखो भुट्टा मिल रहा है, भुट्टा लेना है आपको, राखी की दुकानें लग चुकी है,
अब इधर से सीधा राइट लेना है, इधर से भी राइट लेना है अपन को, फर्स्ट राइट फिर उसके बाद सेकंड राइट भी लेना है। चलो, अरे बाप रे बहुत भीड़ है यार। ओए होए 15 अगस्त का पहले ही से तैयारी चालू हो गया है। से आते हैं, अरे वाह क्या बात है, गाना तो जबरदस्त चल रहा है, ये तो भाई जबरदस्त। पंद्रह अगस्त का तैयारी तो अभी से ही चालू हो गया है। ओहो जबरदस्त यार भाई, सबको 15 अगस्त का हार्दिक बधाई हो। और भाई मेरी तरफ से 15 अगस्त की रिपब्लिक डे बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे, सभी को मुबारक हो हमारा 15 अगस्त का। अरे भाई ये तो दिल जीत जाता है यार गाना, बहुत ज़बरदस्त। पूरा एकदम रिमिक्स बना डाले गाना को, एकदम मज़ा आ गया। चलो सब भाइयों के हाथ में देखो यार 15 अगस्त का झंडा, मजा आ गया। थोड़ा सा तनी जगह दे दे तो हम भी निकल जाते। मातरम मातरम, जबरदस्त जबरदस्त, हम भी साथ दे रहे रैली में एकदम। इतना दूर देखो यार, कहीं भी जाओ भारत हमारा है, पूरी सहयोग हमारा है। जबरदस्त गाना भी चल रहा है एकदम, यानी बस जगह नहीं मिल रहा आगे जाने का। ऐसे घूमना चाहिए 15 अगस्त के दिन का तैयारी से पहले भाई, पूरा एकदम सहयोग होना चाहिए। जबरदस्त यार जबरदस्त, मजा आ गया। चलो आगे निकले जाते हैं थोड़ा सा, हम लोग को भी जगह दे दो यार, जबरदस्त भाई। सबको 15 अगस्त का हार्दिक हार्दिक बधाई हो। और यार कमेंट में 15 अगस्त का जरूर लिख देना यार कमेंट में, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करके। लग रहा है आज भी यहाँ भी क्या मिल रहा है, पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी मिल रहा है। जाओ तो जय भोलेनाथ, ले ले जाओ ना, लो ना। मैं कहाँ पकड़ूंगा, वहाँ भी पकड़ो, खाते रहो खिला। चलो 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 ये देखो यार, ये है परिवार मुझे। लेकिन यार प्रायोरिटी ये है कि परिवार जब लेके जा रहे हो तो उतना सिक्योर भी रखना बहुत ज़रूरी है। बंदा ना हेलमेट पहना है ना कुछ पहना है, और बस चल दिए यार। देखो यार ऐसे नहीं होता है, बच्चे रखे हो तो हेलमेट भी उतना सोच के पहनो कि चला रहे हो। हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनने बोल रहा हूँ, हेलमेट। हेलमेट पहनो, हेलमेट। हाँ तीन तीन लोग बैठा के चल रहा है लेकिन एक हेलमेट नहीं पहन सकता है। हाँ बोले तो भाई पहुंच गए श्री राजीव लोचन मंदिर, 7 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, और ये राजीव यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना। अब सीधा सीधा एकदम सीधा जाएंगे, सीधा सीधा पड़ेगा, उसके बाद राइट मुड़ेंगे, राइट में थोड़ा सा दूर में राजीव लोचन मंदिर है श्री जीव का, वहाँ दर्शन करेंगे, नदी का दर्शन करेंगे, ब्रिज पर थोड़ा चढ़ने मिलेगा तो चढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सीधा निकलेंगे हमारा भूतेश्वर नाथ मंदिर।
भाई हम लोग किसी को भी ना ज़्यादा समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम समझाना मतलब हम बेवकूफ़। इतना समझदार होना चाहिए कि भाई रोड में किस साइड थूकूं किस साइड नहीं थूकूं, कितना बैठाऊं कितना नहीं बैठाऊं, किसी को समझदारी नहीं है। साला सही करते हैं पुलिस वाला, जब पकड़ के धर देते हैं ना बहुत अच्छा काम करते हैं। हेलमेट भी कोई नहीं पहनता, बस चले पड़ो। देखिए हमारी गऊ माता रोड पार कर रहे हैं, जा माता जा। अरे वो तो सांड निकला, लफड़ा हो गया। ये क्या है, मस्जिद गुरुद्वारा? पता नहीं भाई, बढ़िया पानी भर गया है यार इधर तो। उधर से बोल रहे थे ना, उधर का रास्ता। हाँ हाँ वो वाला रास्ता मैं बोल रहा था यार। इतना दूर आए हैं, भूतेश्वर नाथ जा रहे हैं। इतना मेरे को बता दो, ये जो जा रही है लेडीज जो बैठी है एंटी, उनका साड़ी अगर वो टायर में फंस जाए तो कितना बड़ा कर्म हो जाएगा। और महान जी को ये देखिए, एक नहीं भाई तीन तीन है, और सामने टायर अलग लगाया ना। देखो अरे आंटी को बोलो चुन्नी 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 अच्छे से लपेट ले, लपटा जाएगा टायर में। बाप रे बाप, इतना सारा सामान लिया है वो, स्कार्फ इतना भर के लिया है, और साला चला भी देख रहे हो कैसे रहा, एकदम दबा के स्पीड चला रहा है ना। क्या मस्त है यार, इसको बोलते हैं नेचर। ये है पूरा नेचर, क्या जबरदस्त दिख रहा है यार, एकदम शॉट तो जबरदस्त बनेगा इसका यार, मजा आ गया। साला मैं सोचा यहाँ पानी भरा होगा, या तो पानी ही नहीं भर, पूरा खाली है। वो पता नहीं किधर है उधर का, पूरा खाली है एकदम। क्या हो गया, लगता है गया गाड़ी, गया किसी का तुम जबरदस्त तरीके से। ओहो इसका भी लगा, उसका भी उखड़ा। देख भाई चोट वोट तो नहीं लगा यार, बहुत बुरा हाल यार, दोनों गाड़ी टकराए। बाप रे बाप, इतना बुरा एक्सीडेंट, दो गाड़ी एक में टकराए, बच गया तो गाड़ी का धन्य हुआ। पूरा गाड़ी पूरा खराब हो गया, सामने से पूरा गया ना एकदम, देखे नहीं क्या, पूरा टायर वायर सब बैंड हो गया, पूरा सामने का व्हील व्हील सब गया। शरीर बच गया उसका, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मुंह कान फूट गया रहता अभी तक। बाप रे बाप, ज़्यादा दूर नहीं है भूतेश्वर नाथ मंदिर, यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर पड़ता है, और आगे से राइट मुड़ना है। अभी अपन पहुँचे हैं, देख रहे, बहुत ही ज़बरदस्त यार, बहुत ही ज़बरदस्त रास्ते भर मिले हैं, मंदिर के पास भी मिलेंगे। देखना यार यहाँ पे तो ऐसे ही ऑलरेडी खिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है सारा, कभी खिचड़ी चल रहा है, कभी पूड़ी सब्जी चल रहा है। अरे छोटे